नमस्कार साथियों, मैं कैलाश चंद माली कर्मजा.com में आज आपको बता रहा हूँ छंद व ज्ञान। और छंदों की जो परिभाषा है वो कल मैंने पहले प्रथम भाग में आपको बताई थी, और आज आपको मैं दूसरे भाग में इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा इन छंदों की आपको जानकारी दे रहा हूँ। इंद्र वज्रा जो छंद है उसका लक्षण है स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगोग, स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगोग। अर्थात इसकी ये परिभाषा लक्षण है कि इंद्र वज्रा में, यदि इंद्र वज्रा में तौ, ये तौ शब्द है द्विवचन, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस इंद्र वज्रा में दो तगण होते हैं, जगोग जग, और दो तगण के बाद में एक जगण होता है, और गौ गौ का अर्थ ये हुआ कि इसमें दो गुरु होते हैं। अर्थात जो आपको मैंने कल बताया था, यह माता राज भान सलगम यानी यगण, इस प्रकार से आपको इनकी गणना करनी है। तो दो इसमें तव यानी दो तगण हो गए, एक जगण हो गया, और गौ यानी दो गुरु हो गए। इस प्रकार से साथियों, अगर आपके उदाहरण आपके सामने आता है तो कई जो साथी लोग हैं वो वर्णों की गणना करते हैं, इसमें वर्णों की गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि एक जो गण बनता है वो तीन अक्षरों से बनता है। इसलिए दो तगण हो गए, एक जगण हो गया, अर्थात इसमें तीन गण हो गए, एक गण में तीन अक्षर होते हैं, इस प्रकार से हमारे नौ अक्षर हो गए, और दो गुरु हो गए तो इस प्रकार से 11 अक्षर हो गए। इसमें गणना की या याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम इसको किस प्रकार से, इसके हम अगर जैसे मान लो आपके सामने कोई उदाहरण दे दिया और परीक्षा में यह पूछा जाता है कि इसमें कौन सा छंद है, तो हम उस उदाहरण में इसमें गण किस प्रकार से, लघु और गुरु किस प्रकार से लगाते हैं वो आपको देखना है। कल मैंने आपको बता दिया था लघु गुरु किस प्रकार से करना है। यहां पे है गोष्ठे, तो गो और सर यानी अगर आपको लक्षण में बता देता हूं या उदाहरण में, गोष्ठे तो यहां पे गो और से का ये हो गया गुरु, और ठे तो इसका हो गया गुरु, और गी तो इसका हो गया लघु, अर्थात इसमें हो गया हमारे तगण, ये एक तगण हो गया यहां तक। फिर उसके बाद में री म है तो ये हो गया गुरु, ये सव्य के साथ में ये वह आ गया इसलिए ये हो गया गुरु, और ये का हो गया लघु, तो इस प्रकार से हमारे पास में दो तगण आ गए। इसके बाद में हम यहां से गणना करेंगे, ये हो गया लघु, और ये हो गया गुरु, और ये हो गया लघु, तो इस प्रकार से ये हमारे हो गया जगण। और धृत्वा की ये री है, इसको हम लघु में गिनते हैं, अर्थात ऋष्व गिनते हैं, लेकिन ये त्वा जो आपको संयुक्त अक्षर मैंने बताया था, अगर संयुक्त अक्षर से पूर्व ऋष्व अगर कोई है तो उसकी गणना हम करते हैं दीर्घ में यानी गुरु में, तो ये हो गया गुरु, और ये त्वा भी गुरु हो गया, इस प्रकार से हमारे अक्षर हो गए 11। तो ये उदाहरण है, उदाहरण है गोष्ठे गिरिम सव्य करेण धृत्वा रुष्टेन्द्र वज्राह मीमोक्त वृष्टो योगो कुलम गोपकुलम च सुस्तम चक्रे सनो रक्षतु चाक्रपाणी। अब इसमें आपके आता है कई बार इसमें ये पूछ लिया जाता है कि यति कहां पर होता है, तो जो इंद्र वज्रा में यति होती है वो पादांत में होती है यानी पद के अंत में यति होती है। इस प्रकार से आप इनके जो गण की गणना करके और इंद्र वज्रा छंद की आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंद्र वज्रा इस प्रकार से है, इसमें कोई भेद नहीं है। अगर इसका एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप इस प्रकार से गणना नहीं करते हैं तो आपको यदि लक्षण याद है स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगोग, यहां पे प्रथम ये आया या आया तो ये दीर्घ आया, तो आपको उदाहरण में इस लक्षण से ही मिला लेना है कि पहले दीर्घ आना चाहिए तो दीर्घ आ गया, उसके बाद में दी है और संयोग अक्षर न और दे आया इसलिए ये दीर्घ हुआ, इसलिए ये भी गुरु आएगा तो गुरु आ गया, ये यहाँ पे रे है लघु है तो यहाँ पे लघु आ गया,
इस प्रकार से यहाँ पे वज्र इसमें संयुक्त अक्षर है, इसलिए जय इसमें आया तो ये गुरु हो गया, तो गुरु से गुरु मिला लिया आगे। इस प्रकार से अगर अपन लक्षण से भी अगर उदाहरण को मिलाते जाएंगे तो आपका छंद आराम से क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा का लक्षण है उपेंद्र वज्रा जत जास्ततोगो, उपेंद्र वज्रा जत जास्ततोगो। उपेंद्र वज्रा में क्या होता है, उपेंद्र वज्रा में जत जास्ततो गो, जत यानी जय का अर्थ हुआ जगण, तय का अर्थ हुआ तगण, जय का अर्थ हुआ जगण, और उसमें गौ यानी दो गुरु होते हैं, अर्थात जिस चरण में पाद में या पद्य में एक जगण हो उसके बाद में तगण हो, जगण हो और दो गुरु हो, उसमें उपेंद्र वज्रा छंद होता है। अब आप चाहे इस लक्षण में या उदाहरण है इसका, उदाहरण जैसे आपके सामने है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब इसमें हम साथियों इसके गणों की गणना करते हैं कि उपेंद्र है ये, तो अगर आप लक्षण में भी हम लगा सकते हैं कि जैसे ये लघु आ गया, उसके बाद में पे और ने और ये दे मिलकर के ये आपके गुरु आ गया, और रे आपके लघु आ गया, फिर उसके बाद में आपके वे और वे के साथ में जे आया तो ये हो गया आपका गुरु, और ये हो गया आपका गुरु, और जे ये हो गया लघु। तो इस प्रकार से ये जो आपका है ये हो गया आपका जगण, ये यहां तक आपका हो गया तगण। अब इसके बाद में आपके यहां से ये हो गया तय लघु हो गया, ये आपका गुरु हो गया, और यहां से सह तक, और ये हो गया आपका लघु, ये वापस आपके आ गया जगण यहां तक, और ये तो और ये दोनों गुरु गुरु हो गए। इस प्रकार से उपेंद्र वज्रा जो छंद है उसमें जगण तगण जगण और दो गुरु जिसमें होते हैं। अब इसमें भी हमें वर्णों की गिनने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें तीन गण है, तो तीन गण से एक गण में तीन अक्षर हुए तो इस प्रकार से नौ हो गए, और दो गुरु गुरु है इस प्रकार से ग्यारह हो गए, तो इसमें गिनने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे मान लो आपके सामने उदाहरण आए, उदाहरणों को भी हम इसी प्रकार से इसकी गणों की गणना करेंगे, क्योंकि ये जो पहले जो तय इसमें है हलंत इसकी गिनती नहीं करते, वह इसमें लिया तो ये हो गया हमारा लघु, में एक ही है तो इसमें हो गया हमारा गुरु, और ये हो गया हमारा लघु, तो इस प्रकार से जगण आ गया। उसके बाद में हम यहां पे लेते हैं कि ये माँ और ता, तो ये हो गया गुरु और गुरु, और ये हो गया लघु, तो इस प्रकार से ये हो गया आपके सामने सबसे पहले जगण, उसके बाद में हो गया तगण। आप इनकी गणना उस सूत्र से कर सकते हैं जो आपको मैंने कल बताया था, ये माता राज भान सलगम, उसके बाद में ये पी है, ये हो गया लघु, ये आपका गुरु हो गया, और ये आपका लघु हो गया क्योंकि ये तय ता के साथ में आएगा, और ये आपका हो गया गुरु, और आपको पादांत में मैंने बताया था कि इसको हम विकल्प से गुरु मान सकते हैं, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसी प्रकार से आप दूसरे पाद की भी गणना कर सकते हैं, तीसरे पाद की भी गणना कर सकते हैं, चौथे पाद की भी गणना कर सकते हैं। इसमें जो आपके है वो यति जो है वो भी पादांत में ही होती है, क्योंकि आपके यति के लिए वैसे आगे जो आपके छंद आएंगे उसमें आपके क्लियर हो जाएगा। जो तृतीयांत पद है वो यति का आप हमारे को बोध करवाता है, यानी जिस शब्द में तृतीया विभक्ति होती है वह हमें यति का बोध कराता है, यानी कहां पर हमको रुकना है। तो इस प्रकार से उपेंद्र वज्रा हो गया उपेंद्र वज्रा जत जास ततोगो। उपजाति छंद, उपजाति छंद की परिभाषा है
कि अनंतरो दीरितलक्ष्म बाजो पादो यदि उपजातयस्ता इत्यं किलान्या स्वविमिश्रितासु स्मरन्ति जाते स्विदमेव नाम। उपजाति का ये लक्षण नहीं है, ये परिभाषा है कि एक ही जाति के दो छंदों के लक्षणों से बना हुआ पद्य उपजाति कहलाता है। इसमें जाति एक ही जाति के होने चाहिए, जो भी जो दो वृत्त होते हैं वो एक ही जाति के, जिनके दोनों के एक ही जाति के लक्षणों से बना हुआ पद्य। अर्थात जैसे प्रथम इसका पाद है वो इंद्र वज्रा से बन गया, और दूसरा पाद उपेंद्र वज्रा से बन गया, या तीसरा पाद इंद्र वज्रा से बन गया और चौथा पाद उपेंद्र वज्रा से बन गया। इस प्रकार से यानी जो पाद है एक पाद में किसी इंद्र वज्रा का और दूसरे पाद में उपेंद्र वज्रा का, यानी अलग अलग जो होता है चार चरण पादों में, वहां पर उपजाति छंद कहलाता है। उपजाति का अर्थ होता है कि एक ही जाति के दो वृत्तों के लक्षणों से बना हुआ पद्य उपजाति छंद कहलाता है। अब इसमें जैसे मान लो मैं इसका जो उदाहरण है उसमें हम देखते हैं, उदाहरण है कि ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब इसमें हम देखते हैं कि प्रथम पाद है उसमें हम गणों की गणना करते हैं। यहां पे हमारे ये गुरु है, ये साम है, ये गुरु है, न का ये लघु आ गया, वी के साथ में संयुक्त जो आगे है उससे लेते हुए इस ऋष्व की गणना गुरु के अंदर करते हुए ये गुरु हो गया, और ये या हो गया वो गुरु हो गया, ये लघु हो गया। इसी प्रकार से ये लघु है, ये को से ये गुरु हो गया और न से ये लघु हो गया, और बाद में ये दा और नम ये हमारे दो गुरु हो गए। तो इस प्रकार से जो हमारे ये जो प्रथम जो इसका पाद है वो इंद्र वज्रा का जो हमारा लक्षण जो अभी बताया है इंद्र वज्रा का, स्याद इंद्र वज्रा यदि तव जगोग है, अर्थात दो जिसमें तगण है, ये तगण और ये तगण और ये जगण और दो इसमें गुरु। तो प्रथम पाद में हमारे इंद्र वज्रा इसमें छंद आ रहा है। अब इसमें तीनों जो ये जो प्रथम पाद है, द्वितीय पाद है, तृतीय पाद है, ये तीनों जो पाद है वो इंद्र वज्रा के आधार पर बने हुए हैं, और जो चौथा पाद है मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, तो इसमें मैं जो है हमारा लघु है, ये नु के बाद में संयुक्त अक्षर है, इस वजह से ये हमारा गुरु हो गया, ये लघु हो गया, ये गुरु हो गया, ये गुरु हो गया, ये लघु हो गया। तो यहां पर जो ये हमारा चौथा पाद है वो उपेंद्र वज्रा के लक्षण के आधार पर, उसके आधार पर इसके हमारे गणों की पूर्ति हो रही है, गणों की गणना हो रही है। यानी जो हमारा उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा दोनों छंद मिलकर के दोनों के लक्षणों से जो नया जो हमारा बनता है वो उपजाति छंद कहलाता है। जिस प्रकार से इंद्र वज्रा में यति जो पाद के अंत में होती है, उपेंद्र वज्रा में यति जो पाद के अंत में होती है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में तीन तीन उसमें गण होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी तीन तीन गण और दो गुरु होते हैं अंत में जो पाद के। तो इस प्रकार से यानी तीन गण और दो गुरु, उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा, इस आधार पर यह हमारा उपजाति छंद बनता है। इस उपजाति छंद के अलग अलग जो यानी पहला पाद उपेंद्र वज्रा का बन सकता है, दूसरा पाद इंद्र वज्रा का बन सकता है, कोई सा भी पाद, यानी दोनों आपस में सम्मिलित रूप से बनने चाहिए। वैसे इस प्रकार से इनके आपस में बनने से इसके 14 भेद होते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमारे ये भेद आते नहीं है,
परीक्षा की दृष्टि से यही है कि इंद्रभद्रा और उपेंद्रभद्रा इन दोनों छंदों के मेल से बनने वाला जो छंद होता है वो उपजाति छंद होता है, और उसमें एक ही जाति के दो छंदों के मेल होते हैं आपस में।